गणनाथ सरस्वती रवि शुक्र बृहस्पति पंचयितान संस्मरण नित्यं वेदवाणी प्रवर्तयेत्। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री वेद पुरुषाय नमः, श्री मद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। हमारे संस्था के व्हाट्सएप नंबर पर ये जो है किसी सज्जन ने, विद्वान ने प्रश्न किया हुआ है, उनका नाम तो उन्होंने नहीं लिखा। वे कह रहे हैं कि गुरुजी इनका वीडियो बना करके उत्तर दीजिएगा। और ये प्रश्न कई बार आ चुका है कि कैसी कैसी मूर्ति का जीर्णोद्धार करना चाहिए, कैसी मूर्ति का जीर्णोद्धार करे, कैसी का न करे। मूर्तियों में कभी अंग भंग हो जाता है और कोई विषम परिस्थिति आ जाती है, तो कहीं कहीं ऐसा है कि वो उसका वैसा ही संधान कर देते हैं, चिपका देते हैं अंग। ऐसा करना चाहिए या मूर्ति को बदलना चाहिए? और पूरा कहीं कोई पारिवारिक मूर्ति होती हैं, जैसे पूरा राम दरबार है ना, श्री राधा कृष्ण या शिव परिवार, तो उनमें से किसी एक मूर्ति का भंग हो जाने पर क्या सभी मूर्तियों को बदलना चाहिए? इस तरीके के उनके प्रश्न हैं। तो देखिएगा किन मूर्तियों का जीर्णोद्धार कैसी कैसी अवस्था में करना चाहिए और कौन से जो है शास्त्र के प्रमाण से ये सिद्ध है। देखिए ऐसा है कि हमारे शरीर में भी और अंग तीन प्रकार के होते हैं, उत्तमांग, मध्यमांग और अधमांग। इसी तरीके से मूर्तियों में भी उत्तमांग, मध्यमांग और अधमांग। कई लोग ये कहा करते हैं, एक ऐसे ही भाव विभोर करके और अशास्त्रीय ये जो है, किसी को आजकल बहुत चल रहा है ऐसी ऐसी कुछ बात कह दो तो कि आदमी जो है वो दिमाग में सोचने में पड़ जाए और अशास्त्रीय बात का प्रतिपादन कर दो। ऐसा ऐसा जैसे कहते हैं लोग, भाई जैसे किसी के पिता का हाथ टूट जाए, किसी के व्यक्ति का कोई पैर टूट जाए, तो क्या हम उसको निकाल देते हैं, उसको रखते हैं कि नहीं रखते हैं? और इसी तरीके से मूर्ति का हाथ पैर टूट जाए तो उनको पंडित लोग विसर्जन करवा देते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? ये भी लोग पूछते रहते हैं। इन सब की बात की जो है प्रामाणिकता शास्त्र ही है कि मूर्ति को आपने बनवाया, जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं है तब तक उसमें जो है मूर्ति पूजन करने योग्य ईश्वर तत्व विद्यमान नहीं है, यही मानना पड़ेगा, है ना। पूजन पद्धति से, वेदांत की दृष्टि से तो कण कण ईश्वर है, तो वो भी है, तो कोई जरूरी नहीं है कि भाई मूर्ति में ही देखा जाए। लेकिन शास्त्र की जो पूजा पद्धति है, आगम शास्त्र आदि के अनुसार, जब उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तभी वो पूज्य है। तो ऐसी ऐसी स्थिति में वो पूज्य है। और यदि कोई खंड हो जाए, ऐसा हो जाए, कोई ऐसे लोग उसका स्पर्श कर लें, तो फिर वो मूर्ति पूज्य नहीं है। कैसे कैसे लोग स्पर्श कर लेते हैं तो वो मूर्ति पूजित भी मूर्ति पूजा के योग्य नहीं रहती है। इसके ऊपर हम जो है वीडियो बना चुके हैं, वो आप देख सकते हैं। कोई विषय हो सकता है कि उसका भी इसमें भी आ जाए, तो ये बात है। मुख्य बात, शास्त्र कहते हैं कि ऐसी मूर्ति का विसर्जन कर देना चाहिए, तो कर देना चाहिए, यही मुख्य है। अब उसमें यूं कहा जाए कि ये लोग जो कहते हैं भावनात्मक जो बात करते हैं, उनका उत्तर यह है कि भाई उसमें प्राण हमने डाले हैं, शास्त्र के अनुसार पंडितों ने प्राण डाले हैं, तो शास्त्र के अनुसार पंडित ही उसका विसर्जन कराएंगे, शास्त्र के अनुसार आचार्य ही उसमें से प्राण निकाल भी सकते हैं। एक मूर्ति प्रतिष्ठित है कहीं, तो उस मूर्ति को अगर ले जाना है कहीं, कोई ऐसी विषम परिस्थिति आ गई है, देश का विप्लव हो गया, नदी का कोई कटने के कगार पर आ गया, मंदिर गिरने वाला है, कोई बहुत ऊंचे शिखर पर जहाँ जाकर के आज पूजा संभव नहीं है, पूरा गांव उजड़ गया, या मुगलों का या किसी ऐसे लोगों का आक्रमण हो गया, तो मूर्ति को ले जाने का विधान है, तो उसमें से प्राण निकाल करके किसी में सुरक्षित रख करके तब ले जाया जाता है।
क्या ऐसा ही किसी वृद्ध पुरुष का होगा? तुम कर सकते हो किसी के, बोले इनको ले जाना भी संभव नहीं है, इनके प्राण निकाल लो और फिर वहाँ किसी दूसरे में डाल लेंगे। तो ये सब उसका विधान अलग है और इसका विधान अलग है, तो वो दोनों बातों को एक तरीके से मिलाना नहीं है ये, अन्यथा तो वो जो है कोई तुम्हारे पिताजी का जो है जीर्ण हो जाए, अगर उनको नया करना हो तो वो तो हमारे यहाँ तो विधान है कि अगर ऐसी ऐसी मूर्ति जीर्ण हो जाए, जैसे अभी हम बतलाने वाले हैं विषय यही आज का, तो उस मूर्ति को बदल करके नवीन प्रतिष्ठा करनी चाहिए। तो अगर बिल्कुल ही जीर्ण शीर्ण हो गए हैं पिताजी किसी के, तो वो नया पिताजी कोई ला करके और उनके प्राण निकाल के उसमें डाल ले, ये संभव होगा? तो भाई उसका विधान अलग है, उसमें जो है गर्भ में विधाता प्राण देता है वो प्रक्रिया, तो वो ही ले सकता है, वो उसके हाथ में। और ये प्राण प्रतिष्ठा करने का शास्त्रों ने आचार्यों को अधिकार दिया है, तो वे उसकी जो भी स्थिति परिस्थिति है उन सबका निर्णय और उनकी व्यवस्था करने में आचार्य ही प्रमाण है, शास्त्र ही प्रमाण है। देखिए मूर्तियों में ये जो रहता है इसको जीर्णोद्धार कहते हैं। सामान्य रूप से यही है कि इसके ऊपर थोड़ी सी और विचार कर लेते हैं कि मंदिर, कभी कभी मंदिर जीर्ण हो जाता है मूर्ति सुरक्षित होती है, कभी कभी मूर्ति जीर्ण हो जाती है मंदिर सुरक्षित रहता है। तो इन सब की स्थिति अलग अलग है। जैसे कोई बिजली इत्यादि गिर गई या बहुत जीर्ण हो गया, मंदिर टूटने लग गया, तो फिर क्या करना है? तो तब ऐसी स्थिति में जो है मंदिर में से और मूर्तियों में से प्राण निकाल करके किसी जगह पर सुरक्षित कलश इत्यादि में रख करके वहाँ पूजन होता है और मूर्तियों को हटा करके चालन कर दिया जाता है, अलग रख दिया जाता है, फिर मंदिर बनवा करके फिर उन्हीं मूर्तियों का पुनः वहाँ स्थापन हो जाता है। और यदि मंदिर जो है ठीक है, मूर्ति खंडित हो गई है, तो मूर्ति का केवल विसर्जन करके मूर्ति में से तत्व अगर हैं तो उनको निकाल करके और फिर वहाँ नवीन मूर्तियों का वहाँ स्थापन होता है विधिवत। ये है, इन सब की प्रक्रिया शास्त्रों में दी गई है। ये तो अभी विधान बतला रहे हैं, पद्धति तो आपको पढ़ना पड़ेगा और पद्धति को गुरुजनों से समझ करके देख करके तब ही प्रयोग कर सकते हैं। पर किस परिस्थिति में क्या निर्णय लेना है ये बात आप यहाँ से सीख सकते हैं। तो देखिए एक बहुत अच्छा ग्रंथ है प्रतिष्ठा मौक्तिकम, जिसकी चर्चा हम कभी कभी वीडियो में करते रहते हैं। इसके 361वें पृष्ठ पर जीर्णोद्धार विधि लिखी हुई है। तो उससे पहले ये कुछ शास्त्रार्थ देते हैं और हमको उसी पर चर्चा करनी है। इन पंडित जी का उत्तर इसी में है। देखिए ये कह रहे हैं बैखानस है, यानी बैखानस ये जो आगम ग्रंथ हैं, बैखानस सूत्र हैं, इनमें जो है प्रतिष्ठा संबंधी चर्चा है उसके आधार पर बता ला रहा है। और कहते हैं उसमें ही क्या समूचा समूर्तार्चाधिकरणे अन्य ग्रंथे सूचा, मूर्ति से संबंधित, अर्चा विग्रह से संबंधित, पद्धति से संबंधित, प्रतिष्ठा से संबंधित जितने भी ग्रंथ हैं उन सब में ही ऐसा है। क्या कहना चाहते हैं देखिए कि प्रतिमानाम शिरो ललाट कर्णाक्ष नासिका चिबुक ग्रीवा बाहु वक्षः कटिपाद जान्वादीनाम उत्तमांगानाम, ये जो है उत्तम अंग होते हैं प्रतिमा के। ललाट माने शिरोभाग है ना, ये जो ललाट मस्तिष्क कहते हैं, और पूरा शिर प्रदेश, कर्ण अक्ष और नासिका कान नेत्र। तो यहाँ ये जो है देखिए कान का मतलब ये है कि कोई कर्ण का छोटा सा अंग अगर उसमें से निकलता है तो वो मध्यमांग में आएगा, आगे चर्चा है। पूरा कान अगर किसी मूर्ति का अगर गिरता है तो वो जो है उत्तमांग में आ रहा है, ये उत्तमांग की चर्चा है। अक्षी नेत्र तो मूर्तियों में संधान कर दिया जाता है, स्फटिक के, स्वर्ण के, चांदी के या और शंख इत्यादि के नेत्रों को ऊपर से लगा दिया जाता है। उन नेत्र की बात नहीं है, उन नेत्रों को लगाने के बाद भी यद्यपि प्रोक्षण विधि लिखी है, प्रोक्षण विधि करे, लेकिन ये उन्हीं की चर्चा है कि अगर कोई आँख
जीर्ण शीर्ण हो गई, इतना वो जो है जो पाषाण इत्यादि की मूर्ति है तो ऐसा हो गया कि वो मूर्ति में से वो झड़ने लगी तो आँख का पता ही नहीं चल रहा है कहाँ है, तो वो उत्तम अंग में आएगी। नासिका पूरी अगर किसी मूर्ति की झड़के निकल गई या किसी कारणवशात वो टूट गई है तो चिबुक माने हो थोड़ी, ग्रीवा बाहु बक्ष, ग्रीवा माने जो होती गर्दन, बाहु माने भुजा और बक्ष माने ये जो है बक्षस्थल हृदय सीना, कटिपाद जानू, कटी कटि प्रदेश ये कमर, और पाद माने पैर, और जानू माने घुटना, और पूर्वादीना, पूर्व माने जंगा, उत्तम अंगाना, ये उत्तम अंग है इनके भंग होने पर। और अब कह रहा है कर्ण अक्ष नासिका, कान का थोड़ा भाग, नासिका और नेत्र का कुछ हिस्सा, इसी तरीके से हाथ हस्त पादांगुल्यादीना, है ना, हाथ पैर की अंगुली, हाथ पूरा हाथ और पूरे पैर उत्तम अंग है, पर हाथ और पैर की उंगलियां ये हस्तपादांगुल्यादीनाम मध्यमांगानाम, ये मध्यम अंग है, इनके जीर्णायाम है ना जीर्णतायाम भंगे वा, जीर्णता को प्राप्त हो गए हो, ये इतने क्षरण होने लग गया हो तो उसको जीर्ण कहते हैं, बहुत पुराना हो जाए मतलब, या जो है भंग हो जाए किसी कारण से वो टूट जाए तो जीर्णोद्धारो निर्दिष्ट, तो शास्त्रों में जीर्णोद्धार कहा गया है, अर्थात उसको जो है प्राणों को निकाल करके उनका विसर्जन, मुख्य रूप से उनका विसर्जन करके उनमें उन्हें किसी जलाशय इत्यादि में प्रवाहित कर देना और उसी आकार प्रकार की वैसी ही मूर्ति बना करके पुनः स्थापन करना चाहिए। अब जो बतला रहे हैं तो इसमें बतलाया गया मध्यमांग और उत्तमांग के भंग होने पर नवीन मूर्ति का ही प्रावधान शास्त्र करते हैं। अब कुछ अंग ऐसे हैं जिनके भंग होने पर मूर्ति को बदला ना जाए, मूर्ति में प्रोक्षण विधि कर दी जाए, उनका संधान कर दिया जाए, तो देखो वो कौन कौन से अंग हैं। केशांत हस्त पादांगुलि नखाग्रा युधाग्रादीनाम हीनांगानाम जीर्णत्वे भंगे वा लेपादिना संधानम संधानानंतरम प्रोक्षण विधिश्च प्रोक्तः। कह रहे हैं केशांत माने केशों के अग्रभाग, क्योंकि मूर्तियों के कोई एक एक केश अलग से नहीं रहते हैं, है ना, केशों केश तो बंद जुड़ा होगा या बंधे होंगे, मूर्तियों में केश बनाने की अलग विधि है, एक एक केश हमारे तरीके से ऐसे अलग अलग नहीं रहेगा, तो वो केशाग्र केश के जूड़े पे या कहीं केश के अग्रभाग में अगर कोई क्षरण या भंग होता है। हस्त पादांगुलि नखाग्र, हाथ और पैर की अंगुलियों के अग्रभाग यानी नाखून, हाथ की अंगुलियों के और पैर की अंगुलियों के कोई अग्रभाग है ना, यदि वो जो है क्षरण हो गए हैं। आयुध आयुधाग्रादीना और आयुध का अग्रभाग, कोई तलवार जैसे भगवती दुर्गा का कोई तलवार है या चक्र सुदर्शन है या कोई भी आयुध किसी भी देवता का अंकुश आदि जो भी आयुध है उसका कोई अग्रभाग या टूट गया या क्षण हो गया है तब, अथवा जीर्णत्व लेपादिना संधानम, लेपन से कुछ चिपका करके उनको संधान कर देना चाहिए, उन उस अंग को टूटे हुए को वहीं उसी तरीके से बना देना चाहिए, चिपका देना चाहिए। और संधानानंतरम प्रोक्षण विधिश्च प्रोक्ता, और संधान के बाद प्रोक्षण विधि है ना, एक शास्त्रों में प्रोक्षण विधि बतलाई गई है ताकि देवत्व और देवकला का मतलब सदा सान्निध्य रहे, देवकलाओं की वृद्धि हो, इसलिए ये प्रोक्षण विधि होती है, तो ये प्रोक्षण विधि उस वक्त उस समय कर देनी चाहिए। परंतु ऐसा कुछ ऐसी मूर्तियां उनमें कभी नहीं करना चाहिए, ध्यान देना, जो स्वयंभू लिंग है माने जो स्वयंभू मूर्तियां हैं, अयम जीर्णोद्धारा, ये जो बात कही गई कि जीर्णोद्धार यानी उत्तमांग नष्ट होने पर भी और मध्यमांग भी नष्ट होने पर भी कुछ ऐसी मूर्तियां होती हैं जिनको नहीं बदला जाता, ध्यान देना। अभी हमने बताए तीन तरीके के अंग,
उसमें से प्रथमा उत्तमांग और मध्यमांग के नष्ट होने पर मूर्ति बदलने का विधान बताया, लेकिन कुछ ऐसी मूर्तियां हैं, कुछ ऐसे विग्रह हैं जिनका जो है जीर्णोद्धार कभी भी नहीं करना चाहिए। वो कौन सी हैं? देखिए कि स्वयंभू महापुरुष स्थापिताना स्थापित अनादि सिद्ध लिंग प्रतिमानाम न भवति। स्वयंभू महापुरुष स्थापित अनादि सिद्ध लिंग प्रतिमानाम न भवति, अर्थात जो स्वयंभू हैं यानी ज्योतिर्लिंग आदि जो स्वयंभू हैं, अपने आप प्रकट हुए हैं कुछ मूर्तियां, तो वे स्वयंभू कहलाती हैं। उनमें महापुरुष स्थापित, कोई महापुरुष के द्वारा स्थापित हैं, किसी महान ऋषि के द्वारा, देवताओं के द्वारा, या कोई बाणासुर इत्यादि किसी महान राक्षस भगवत भक्त के द्वारा, या जो भी कोई महापुरुष हैं उनके द्वारा प्राचीन काल से युग अनादि काल से किसी पाश्चात्य युग में ही या और पहले या अभी स्थापित हुआ है किसी महापुरुष के द्वारा, तो ऐसे अनादि सिद्ध लिंग प्रतिमाना, ऐसे अनादि सिद्ध पता नहीं कब से कैसे किसके महापुरुष के द्वारा स्थापित हैं, और ऐसे चाहे लिंग हो या कोई भी प्रतिमा हो, यानी शिवलिंग हो या कोई देवता का विग्रह हो, तो उनका ये अयम जीर्णोद्धार न भवति, उनका इस प्रकार जीर्णोद्धार नहीं होगा। तो भाई ऐसी मूर्तियां अगर उनका कोई अंग टूट जाए, या ऐसी मूर्तियों को कोई उखाड़ दे, या वे स्वयं उखड़ जाए कालांतर में, तो क्या करना चाहिए? अनाज सिद्ध लिंग भी कभी कभी उखड़ सकते हैं, नदी के किनारे आ गए, बिजली गिर गई, जीर्ण हो गया, और भी कई कारण हो गए, उजड़ हो गया, तो बोले ईदृघ लिंग प्रतिमा नाम स्वस्थाना चलने, ऐसे लिंग और प्रतिमा अनाज सिद्ध जो है उनके अपने स्थान से चल जाने पर या भंग हो जाने पर स्थिरीकृत्या उनको पुनः उसी जगह पे स्थापित कर दो, या जहाँ कोई भी ऐसी व्यवस्था बने वहाँ स्थापित करके, और उनका जो है महाभिषेकम कुर्यात्, और उन्हीं मूर्तियों का महाभिषेक होगा। इति त्रिविक्रम, ऐसा आचार्य त्रिविक्रम कहते हैं, ये प्रतिष्ठा मौक्तिकम में बतलाया गया। और भी कह रहे हैं, अगर कई लोग ये कहते हैं देखिए कि हमारी मूर्ति तो बहुत छोटी है, अब हम इसको बदल करके नई प्रतिमा को लाना चाहते हैं, हमने उस समय करा दिया था, तो ये तो बिल्कुल ही जो है एकदम मूर्खता जैसी बातें हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, बहुत अपराध लगता है कि हेतु उपस्थित हुए बिना ही हम अपनी सुविधा के लिए कि वहाँ थोड़ा दूर है इसलिए वहाँ कौन पूजा करने जाएगा, अब हम बिल्कुल अपने यहाँ भी स्थापित करना चाहते हैं, हम जो है नीचे मंजिल में, एक हमसे प्रश्न किया था कि हम नीचे मंजिल में हमारे जो है वहाँ पूजा मंदिर बना है, हमारे पिताजी बनवा गए, तो अब हमारे भाई वहाँ वो नीचे भाई को मिल गया है, हम ऊपर के तल में रहते हैं तो हम वहाँ ले जाना चाहते हैं मूर्तियों को। अरे मैंने कि ऊपर से नीचे आने में क्या वो मना करता, और नहीं हमको अच्छा नहीं लगता, तो ऐसी जगह पर चालन नहीं हो सकता। कई लोग पूछते हैं कि भाई हमारे छोटे विग्रह हैं, इनको हटा करके बड़े बड़े विग्रह लाना चाहते हैं, तब भी चालन नहीं हो सकता है ना। तो अगर कोई देखिए इसमें बताया गया कि नया मंदिर बनवाना चाहता है तो सावधान रहे, नए मंदिर बनवाने से जो पुण्य मिलता है उससे दस गुना पुण्य मिलता है जो कोई प्रतिमा या कोई ध्वज दंड इत्यादि भंग हो गया हो तो उसको जीर्णोद्धार कराने में, उसका विसर्जन करके नया लगाने में वो जो है दस गुना पुण्य प्राप्त होता है। ये कह रहे हैं तत्र जीर्णादि दोष दुष्टानाम देव पिंडिका वाहन प्रासाद ध्वज दंड कलशादी नाम जीर्णोद्धारम कुर्बाणो दस गुणम फलम लभते। पहली बात तो ये देना कि जब देवता की प्रतिष्ठा होती है तो इतनी लोगों की साथ में प्रतिष्ठा होती है, देव जो भी देवता है उसकी तो होगी, पिंडिका उसके साथ, पिंडिका का, उसके वाहन का, और प्रासाद ये भी प्रतिष्ठित होते हैं, प्रासाद माने वो भवन जिसमें देवता रहते हैं जिसको गर्भगृह कहते हैं, और ध्वज ऊपर एक ध्वजा लगाया जाता है उसका, और दंड जिस दंडे में जो है ध्वजा लगाया जाएगा, ये ध्वज स्वर्ण इत्यादि चांदी का या कोई रेशम इत्यादि का लगाया जाता है, तो ध्वज बदलने पर भी
जो है फिर विधि होती है, ध्वज की प्रतिष्ठा, दंड प्रतिष्ठा और कलशादि नाम, ऊपर जो कलश रहते हैं शिखर कलश, वो शिखर कलश की भी प्रतिष्ठा होती है। तो देवता की, देवता भी दो होते हैं, अगर चल प्रतिष्ठा आप कर रहे हैं तो एक ही होगी, अचल प्रतिष्ठा है तो अगर किसी को ठाकुर जी को फिर बाहर घुमाने के लिए शोभा यात्रा इत्यादि के लिए ले जाना है, शयन कराना है, तो वहाँ एक अचल विग्रह के साथ में चल प्रतिमा होती, चल विग्रह होता है। तो दो चलाचल, अचल प्रतिष्ठा में चल की भी प्रतिष्ठा एक वहाँ करनी होती है। तो दो तरीके के देव हो गए, पिंडिका और उनका वाहन और प्रासाद, ध्वज, दंड और कलश, इन सब की प्रतिष्ठा करनी चाहिए। इनमें से किसी का भी जीर्णोद्धार यदि करना हो, यदि कोई कई देवता हैं और उनमें से जैसे श्री राम दरबार है, श्री राधा कृष्ण है या शिव परिवार है, इनमें से जो प्रतिमा भंग होगी तो उसी का जीर्णोद्धार होगा, वैसा ही वैसी प्रतिमा ला करके और उसका स्थापन करना चाहिए, पूरे सभी को नहीं बदलना चाहिए। इसी तरीके से जो है वाहन, प्रासाद, ध्वज, दंड, कलश इत्यादि इनका किसी का भी जो है क्षरण होता है या भंग होती हैं तो उसी उसी को जीर्णोद्धार करके नया लगाना चाहिए। जो जीर्णोद्धार करता है उसको नए मंदिर बनवाने से 10 गुणा, 10 गुणम फलम लभते, 10 गुणे फल की प्राप्ति होती है। ये प्रतिष्ठा मौक्तिकम कार कह रहे हैं, ऐसा सभी शास्त्रों का मत है। तो एक शास्त्र को लेकर के यहाँ बतला दिया गया है, ये शास्त्रों का सार उन्होंने लिखा हुआ है। तो ऐसा ही प्रतिष्ठा मयूख में है, धर्म सिंधु में भी है, और भी प्रतिष्ठा संबंधित जो भी ग्रंथ हैं जैसे आचार्यों ने लिखे हुए हैं पुराने प्राचीनतम, उन सब में ही ये चर्चा है। तो इस तरीके से पंडितों को करवाना चाहिए, ना ही मनगणंत, प्रतिष्ठा के समय पे बहुत ही सावधानी बरतने के लिए शास्त्र कहते हैं। हर हर महादेव।